हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। बारिश का मौसम आ चुका है और अगर आपके फ्रीज में कुछ मशरूम बचे हुए हैं तो आप उससे बना सकते हो एक बहुत ही अच्छी स्नैक रेसिपी जिसका नाम है चीजी गार्लिक मशरूम। तो चलिए इसे झटपट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चीजी गार्लिक मशरूम बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट की आवश्यकता, आप इसे नोट डाउन कर लें। चीजी गार्लिक मशरूम बनाने के लिए आप 200 ग्राम बटन मशरूम लें, उसे एक वेट टिश्यू से अच्छी तरह से क्लीन कर लें और इसे हाथों की सहायता से हल्का सा प्रेस करते हुए इसके स्टेम्स को आप बाहर निकाल लें, जिससे कि इसमें एक कैविटी या होल सा क्रिएट हो जाएगा और जिसमें हम अपने चीज स्टफिंग को फिल करेंगे। और आप इन स्टेम्स को बिल्कुल भी फेंके नहीं, क्योंकि ये भी एडिबल होते हैं और आप इन्हें इस मशरूम करी या मशरूम सूप में यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी सभी मशरूम के स्टेम्स को निकाल लेंगे। मशरूम के सारे स्टेम निकाल के हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब आप एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें 2 टेबलस्पून प्रोसेस चीज और 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज ऐड करें, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब। और अब आप इन सारी सामग्रियों को एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब आप देख सकते हो चीज स्टफिंग तैयार है मशरूम में फिल करने के लिए। अब आप एक मशरूम लें और इसमें छोटे स्पून या हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग ऐड करें। इस रेसिपी के लिए अगर आप मीडियम साइज के मशरूम का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप स्टफिंग अच्छी तरह से ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारे मशरूम में एक अच्छा चीज़ और गार्लिक का फ्लेवर आ पाएगा। छोटे मशरूम में कैविटी स्मॉल होने की वजह से हम स्टफिंग ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं। और आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से ही हमें स्टफिंग फिल करने हैं सारे मशरूम में। मैं आपको एक और मशरूम फिल करके दिखाती हूँ। तो हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग ऐड करेंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे मशरूम के अंदर स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए और ये बाहर ना निकले। और बाकी के बचे हुए मशरूम को भी हम इसी तरह से स्टफिंग फिल कर तैयार कर लेंगे। और अब आप एक मिक्सिंग बोल लें, उसमें 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ऐड करें, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक स्वादानुसार, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे स्पून की सहायता से सारे मसालों को फ्लावर में अच्छी तरह से ड्राई मिक्स कर लेंगे। और अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ लम्प फ्री मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लें। और अब आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है हमें। और अब आप 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा लें और इसमें एक मशरूम लेके इसे सूखा इस मैदे में कोट कर लें और इसी तरह से हम बाकी सभी मशरूम को कोट कर लेंगे। अब आप बैटर और ब्रेड क्रम्स लें और मशरूम को बैटर में डिप करें और इसे चारों तरफ से बैटर से कोट कर लें अच्छी तरह से। और इसे निकालकर हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स से भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं ताकि मशरूम के ऊपर एक क्रंची लेयर कोट हो। तो हम इसे फिर से बैटर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसे हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते हुए इसे ब्रेड क्रम्स को सेट कर देंगे ताकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करें तो ब्रेड क्रम्स बाहर ना निकले और चीज़ की जो हमने स्टफिंग की है वो भी बाहर ना निकलेगी। बाकी के बचे हुए मशरूम को सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बैटर और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। सारे मशरूम अच्छी तरह से कोट होके तैयार हैं। इसे आप रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दें। इसे आप जिपलॉक पैक में स्टोर कर 1 वीक के लिए भी रख सकते हो। 30 मिनट्स हो चुके हैं, मशरूम को हमने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है, तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक कर मशरूम को तेल में डालेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे
गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। 4 मिनट्स हो चुके हैं और सारे मशरूम अच्छे से गोल्डन ब्राउन डीप फ्राई होकर रेडी हैं। तो अब आप इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। चीजी गार्लिक मशरूम को आप गर्मा गर्म अपने मन पसंद डिपिंग के साथ एंजॉय करें। तो आइए मैं आपको एक मशरूम का टेक्सचर दिखाती हूँ कि इसका आउटर लेयर कितना क्रिस्पी है और अंदर से ये कितने सॉफ्ट और जूसी है। और मशरूम के साथ जो हमने चीज़ और गार्लिक का स्टफिंग स्टफ किया है इसमें, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस बारिश के मौसम में आप अपने घर में ये स्नैक्स रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चीज़ी गार्लिक मशरूम को मैंने टमाटो मेयोनेज़ डिपिंग के साथ सर्व किया है। आप इसे अपने मनपसंद डिपिंग के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताओ कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।